प्रचंड धूप में भी अपना कार्य करते हुए जितने भी लोग हैं जो इस धूप में कोई भी कार्य कर रहे हों उनको मेरा सलाम। मतलब एक तरीके से भले इंसान अपने रोजी रोटी के लिए काम करता हो लेकिन वो एक तरीके से देश निर्माण के लिए भी काम करता है। रोजी रोटी के लिए तो हर कोई काम कर रहा है, दो वक्त की रोटी कमाने के लिए, लेकिन एक तरीके से हम उसी ज़रिए अपने देश का भी निर्माण करते हैं। और देखिए अभी जो माली जी हैं वो पूरा पानी वानी डाल रहे हैं, तो देश के निर्माण के साथ साथ पर्यावरण की भी सुरक्षा कर रहे हैं। भले इनको इस चीज़ के पैसे मिलेंगे, ये अपने लिए राशन पानी जो भी होगा खरीदेंगे, लेकिन इनके काम से पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और देश का भी एक तरीके से निर्माण हो रहा है क्योंकि अर्थव्यवस्था में भी हिस्सेदार हैं। यहाँ बन रहा है मैक्रोनी स्पेशल। अभी इसमें मैक्रोनी डाला नहीं है, अभी इसमें क्या क्या डाला? अभी इसमें है प्याज, टमाटर और कैप्सिकम। मैक्रोनी वहाँ पे बॉईल हो रही है, देखो बॉईल हो रही है। इसमें मैक्रोनी आपको अभी दिखेगी नहीं क्योंकि इसमें अंदर है मैक्रोनी और सारा जो फोम है वो अब दिखेगी। दिखाओ, बना रही हूँ यहाँ पे मैं मैक्रोनी और सारी वेजीज मैंने फ्राई की है। इसमें गार्लिक डाला है, अनियन डाला है, टोमेटो डाला है, कैप्सिकम डाला है और इसमें अभी मैं डालूंगी केचप, मेयोनीज, सब कुछ मिक्स कर दिया है, थोड़े थोड़े सारे मसाले डाले हैं और बहुत टेस्टी बनने वाला है ये, तो बना के मिलते हैं। थोड़ा वाइल्ड लाइफ से भी मिल लेते हैं घर के, तो ये अपने काम में बिजी हैं, ऊपर नीचे तैर रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये अपना खाते हैं पीते हैं और मस्त रहते हैं। तो मैं फिर से निकल चुका हूँ रोमांचक सफ़र पे। ये रोमांचक सफ़र है लिविंग रूम से किचन तक का। इस रोमांचक सफ़र में काफ़ी सारे जंगल आते हैं, जंगल और अभी भी खाना बन ही रहा है। चलिए वेट करते हैं कब तक बनता है। तो मैक्रोनी हो चुकी है तैयार, स्विच ऑन द लाइट, तो लाइट ऑन करके दिखाते हैं आपको। मैं नहाने चला गया था तो उसके कंपनी, तो इसके साथ स्क्वैश भी आ रहा है। अब बताइएगा आपको कैसी लगी इसकी रेसिपी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी ट्राई कीजिए, कैसा बना देखिए, अगर अच्छा बनता है तो ज़रूर बताइए कि आपने इसी रेसिपी से बनाया है। तो स्क्वैश का वेट करते हैं। आ गया है हमारा ऑरेंज स्क्वैश, तो ऑरेंज स्क्वैश और मैक्रोनी है हमारा आज का नाश्ता। ये दो प्लेट लग चुकी हैं, हम इसका आनंद लेते हैं। आप भी इस वीडियो का आनंद लीजिए। क्या हो गया हाथ में? हाथ जल गया। ओहो, कैसे? यहाँ पे मैं निकाल रही थी और गरम गरम कढ़ाई, ये देख रहे हो, ये थोड़ा सा स्वेल लग रहा होगा, यहाँ लग गए, बहुत जलन हो रही है। एलोवेरा लगा लेना उस पे। मेरे कहीं ना कहीं जलता ही रहता है, कुछ भी काम करो किचन में, पता नहीं क्या ही है, यहाँ कुछ गिर जाएगा, यहाँ ये देखो ये सारे खाना बनाने के निशान है जो अब पड़ गए हैं। कोई नहीं, एलोवेरा जल, पहले मेरे हाथ पे एक भी निशान नहीं था। एलोवेरा जल लगा लेना उस पे। तो इसको ज़रा टेस्ट करते हैं कैसा बना है। अभी टेस्ट करिए,
बहुत बढ़िया बने हैं। मुझे भी खाते हुए दिखाओ इधर। ये भी मैं बहुत अमेजिंग बनाया मैंने, मतलब जल्दी में और इससे अच्छा बन ही नहीं सकता, बहुत टेस्टी। स्क्वैश भी पी के दिखाता हूँ, आप सब भी पी लीजिए। स्क्वैश भी बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय। नेक्स्ट व्लॉग में सैटरडे संडे आने वाला है, मस्त व्लॉग्स बनेंगे, इसलिए तब तक के लिए बाय।